हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTFE एप्लीकेशन के बारे में। आप लोग इस एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन के मिलियन में यहाँ पर यूज़र थे, और अगर हम इनके ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट चेक करें तो वहाँ पर भी इनके लाखों में फॉलोअर मौजूद थे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसी तरह यहाँ पर इनके लाखों में फॉलोअर जो थे वो मौजूद थे। तो यहाँ पर लोगों ने इसके अंदर जो है लाखों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा था। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। इस एप्लीकेशन ने जिस तरह लोगों के साथ स्कैम किया उसके बारे में भी आप लोगों को पता चल जाएगा, और आप लोग आने वाले इस तरह स्कैम से भी बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MTFE एप्लीकेशन के बारे में, इसके न्यू अपडेट के बारे में। तो तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को 22 अगस्त 24 अगस्त इस तरह आप लोगों को यहाँ पर अपडेट मिलते थे। आप लोगों को ये बताया गया था कि आप लोग जो है रिचार्ज करें, ये करें वो करें, आप लोगों को ये बता रहे थे, और उसके बाद जो है आप लोगों को किसी भी किस्म का अपडेट जो है इस एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिला था। और अभी मैं इसका ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन कर रहा था, आप लोग ये देख भी सकते हैं, तो ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा था। पता नहीं यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है इसी तरह यहाँ पर इनका अकाउंट जो है ये ट्विटर के ऊपर यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। तो अगर हम इस एप्लीकेशन के बारे में जान ले तो यहाँ पर किसी ने इस एप्लीकेशन के अंदर जो है यहाँ पर 1 लाख जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 2 लाख, 100 USDT, 200 USDT, यहाँ से इससे भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया, और लोगों के पैसे जो है वो इसी तरह बर्बाद हो गए। क्योंकि लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है बहुत सारे स्कैमर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये हक बनता है कि हम उस एप्लीकेशन के बारे में रिसर्च करें, उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, और लोगों ने इसके अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, और लोगों के पैसे इस तरह इस एप्लीकेशन के अंदर फंस गए, और लोगों का जितना भी डॉलर थे यहाँ पर वो माइनस में चलना स्टार्ट हो गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये एप्लीकेशन ना ही आप लोगों को अभी विड्रॉ देगी और ना ही आप लोगों को फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन भाग चुका है, और यहाँ पर ये इसके यहाँ पर आप लोगों को जो अपडेट्स मिलते हैं ये आप लोगों को सिर्फ इसीलिए मिलते हैं कि आप लोगों को और लूट ले। यहाँ पर ये लोग एक और जरिया जो है अपने लिए बनाते हैं। तो आप लोगों को अब समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर जितना भी लॉस हो चुका है उसे आप लोग रिकवर कर सकते हैं, तो किस तरह भी रिकवर आप लोग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप लोग जो है उन एप्लीकेशन की तरफ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाई नेटवर्क हो गया, अवाइव माइनिंग हो गया, या सतोशी कोर माइनिंग ऐप हो गया, यहाँ पर ये एक न्यू ऐप आ चुका है नेपट्यून नेटवर्क, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाकर यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो जो रियल एप्लीकेशन होते हैं उसकी तरफ आप लोग जाए और उसके अंदर आप लोग माइनिंग स्टार्ट करें, आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करें, तो आप लोगों का जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सिक्योर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।